ఎక్సలెన్స్ అవార్డు కార్యక్రమంలో కేటీఆర్ మాట్లాడుతున్నారు. లైవ్లో చూద్దాం. Come down. Now this is again focusing on basics. This is again getting the basics right, basic priorities of a government right. हाँ, काम अभी है, बाकी है, काम करना है. हम लोग sincerely काम कर रहे हैं और उम्मीद है कि करते रहेंगे. Though one thing that I would like to point out, especially with respect to industrialization, our honourable Chief Minister, back in 2014. Had conducted a marathon meeting with the entire industrial associations, including FTCCI. I think it was called FAPSI then. आपके साथ भी मीटिंग हुई थी, उनके 7 घंटे की एक मीटिंग चली थी जिसमें सारे ऑर्गेनाइजेशन थे. सबका फीडबैक उन्होंने लिया, एक होटल में किया गया था और TSI पास करके एक प्रोग्राम लाया उन्होंने. आज पूरे हिंदुस्तान में ऐसी कोई राज नहीं है जहां पे आपको इतना इतना एक इतनी अच्छी सुविधा है, जहां पे ये बताया जाता है कि every single application that we get we will clear in 15 days under this industrial project self approval self certification and approval process. agar 15 din mein hum ha nahi kehte hain to 16va din automatic ha hai. 16th day is a deemed approval. no other state in india will tell you this. secondly, if you have a piece of land anywhere in telangana, you can start construction on day 1, be it in a village or a municipality, without seeking any clearance from the government. Now, this is called a self certification. simultaneously you need to apply so that we need to know, kyunki government ko ye jankari hona chahiye ki kon kya kar rahe hain raj mein. this again no other state in india will tell you. aur Jayesh Ranjan jo hai hamare 1992 batch ke IAS topper hai pure hindustan mein, aaj agar Jayesh Ranjan bhi agar galti karte hain aur 15 din mein approval nahi dete hain, unko bhi fine lagta hai 1000 rupees ka. abhi tak to laga nahi, लगाने की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि जयेश इतने एफिशिएंट है. हमने 13,826 अभी तक इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट अप्रूवल TSI पास के जरिए हमने अप्रूवल दिया है. 2,04,000 करोड़ से ज्यादा इन्वेस्टमेंट तेलंगाना में आज तक पिछले 6 साल में मिला है. 14 लाख से ज्यादा, 14.5 लाख से ज्यादा डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट का यू नो प्रॉफिट और बेनिफिट हुआ है तेलंगाना की यंगस्टर्स को. इस सारे जो हैं मेट्रिक्स जो हैं ऐसे ही नहीं आते हैं, ऐसे ही नहीं बनते हैं. इन्वेस्टर ऐसे ही नहीं आते हैं. कोई अगर कोई अमेजोन आ रहा है, कोई एप्पल आ रहा है, गूगल आ रहा है, तो ये ऐसे ही नहीं चल के आते हैं. पूरा मतलब तुलना करते हैं, कंपेयर करते हैं कि कौन राज क्या प्रोवाइड करता है और कहाँ पे स्टेबिलिटी कैसा है. आज अगर तेलंगाना अट्रैक्ट कर रही है इंडस्ट्रीज, वो इसलिए क्योंकि हमारे चीफ मिनिस्टर जो हैं एक्सट्रीमली एफिशिएंट हैं, एक्सट्रीमली कॉन्फिडेंट हैं और उनकी जो ध्यान है बेसिक्स पे है, बेसिक्स को करेक्ट करने में उनकी ध्यान है. मैं जानता हूं देर इज स्कोप फॉर इंप्रूवमेंट. आई नो दैट देर इज स्कोप फॉर इंप्रूवमेंट. इंडस्ट्रियल इंसेंटिव्स देने हैं. इनफैक्ट पिछले मार्च में जब हमने बजट इंट्रोड्यूस किया था, वी हैड एलोकेटेड 1500 करोड़ फॉर इंडस्ट्रियल इंसेंटिव्स. अनफॉर्चुनेटली राइट आफ्टर दैट वी वर ऑल लॉकडाउन, पैंडेमिक, ऑल ऑफ दिस इज हिट एंड स्टेट फाइनेंसेस, सेंट्रल फाइनेंसेस, एवरीथिंग इज गॉन हेवायर. Unfortunately, we could not deliver on the industrial incentives last year, but I assure you, in the upcoming year and the next budget, we will certainly ensure that all of your industrial incentives are cleared, and I will take it to the notice of the Honourable Chief Minister. Ramakant ji, आपने एक बात कहा कि जो आत्मनिर्भर पैकेज थी, it has been ineffective और उससे ज़्यादा फायदा नहीं मिला. पता नहीं इसमें अगर किसी को मिला या ना मिला, मुझे तो नहीं पता. बात हुई थी 20 लाख करोड़ पैकेज की. अब इसमें से 20 लोग ऐसे हैं, पता नहीं मुझे इसको जिनको फायदा मिला. मैं तो किसी को मिला नहीं आज तक जिनको 20 लाख करोड़ पैकेज से कोई फायदा मिला. बातें किए गए बट हुआ नहीं कुछ. मैं उम्मीद करता हूं कि जो बजट केंद्र सरकार रखेगी 1 फरवरी को, हम उम्मीद कर रहे हैं, ना सिर्फ मैं पर्सनली बल्कि पूरा हिंदुस्तान में जितने भी उद्योगपति हैं सारे ही लोग उम्मीद कर रहे हैं कि कोई अच्छा स्टिमुलस पैकेज मिले जिससे फिर इकोनॉमी बैक ऑन ट्रैक आए और फिर हिंदुस्तान की जीडीपी जो स्लिप करते आई पिछले 8-10 क्वार्टर से, 12 क्वार्टर से इनफैक्ट, फिर एक बार रिवाइव हो और जल्द से जल्द फिर से बाउंस बैक करें. हम भी उम्मीद कर रहे हैं, हम भी लिखते जा रहे हैं, उनको चिट्ठी पे चिट्ठी लिख रहे हैं. बट एक बात की दुख होती है,
हर जो रैंकिंग दिया जाता है उसमें तेलंगाना को अव्वल दर्जे पे बिठाया जाता है क्योंकि बाय मेरिट रैंकिंग होती है. बट जब बात होती है कुछ एलोकेशन देने की, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर करने की या एक हाई स्पीड रेल देने की या डिफेंस इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन कॉरिडोर बनाने की, फिर हम रह जाते हैं देखते देखते और कहीं और जाता है वो. वो इसलिए क्योंकि नंबर्स जो है, आज हिंदुस्तान में नंबर्स की गेम ज्यादा चलती है. 80 सीट अगर आपके पास हैं तो आप राज करेंगे. अब अनफॉर्चुनेटली वी ओनली हैव 17, तो आज हमें देखना पड़ रहा है. अगर बुलेट रेल आती है तो डीएमआईसी के बीच में दौड़ती है, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, और सीधा पहुंचती है अहमदाबाद. मोदी साहब आपके भाई को बोल दीजिए. एक हमारे तरफ भी आए, यहाँ बेंगलुरु है, हैदराबाद है, चेन्नई है, काफी सारे प्रोग्रेसिव स्टेट्स हैं, प्रोग्रेसिव टाउन्स हैं, प्रोग्रेसिव सिटीज हैं. और हाई स्पीड रेल कनेक्टिविटी जब आती है तो यहाँ साउथ की तरफ आती ही नहीं, रुक जाती है बॉम्बे में. मैं क्या कह रहा हूं कि अल्टीमेटली अगर एक देश को प्रॉस्पर करना है, जो मोदी साहब बार बार कहते हैं सबका साथ सबका विकास, उस बात पे अगर विश्वास हो, विश्वास तब होगा जब बातें काम के रूप में बदल जाएंगे, तो ट्रांसलेट होगा रियलिटी में. मेरी उम्मीद यही है कि आगे आने वाली जो बजट है इसमें तेलंगाना जैसे प्रोग्रेसिव स्टेट को भी बढ़ावा दिया जाएगा. हम डिमांड करते आ रहे हैं हैदराबाद और नागपुर के बीच में एक इंडस्ट्रियल कॉरिडोर हो, हैदराबाद और रामगुंडम के बीच एक इंडस्ट्रियल कॉरिडोर हो, हैदराबाद और बेंगलुरु के बीच एक इंडस्ट्रियल कॉरिडोर हो, और हैदराबाद और वारंगल के बीच में भी एक इंडस्ट्रियल कॉरिडोर हो. अनफॉर्चुनेटली नन ऑफ दीज हैव बीन सपोर्टेड सो फार, ऑल लिप सर्विस. और बहुत बार बहुत प्रेस किया जाता है, जो भी मिनिस्टर आते हैं सेंट्रल से बहुत प्रेस करते हैं तेलंगाना ने खूब ये किया खूब वो किया. लिप सर्विस से क्या मिलता है, मैं भी बहुत कुछ बोल सकता हूं, पैसे अगर नहीं देंगे तो क्या होगा. मेरी रिक्वेस्ट थ्रू दिस, थ्रू आर मीडिया फ्रेंड्स, टू मिस्टर पीयूष गोयल, टू मिसेस निर्मला सीतारामन, इज दैट दे शुड ऑल्सो सपोर्ट एंड एनकरेज प्रोग्रेसिव स्टेट्स विच हैव बीन डोमिनेटिंग, यू नो, इन टर्म्स ऑफ बेंचमार्किंग पॉलिसीज, इन टर्म्स ऑफ पायोनियरिंग इनिशिएटिव्स लाइक मिशन भागीरथ, इन टर्म्स ऑफ कंप्लीटिंग प्रोजेक्ट्स ऑन अ ब्रेकनेक स्पीड. यू नो, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मल्टी स्टेज लिफ्ट इरीगेशन प्रोजेक्ट कालेश्वरम, इट्स द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मल्टी स्टेज लिफ्ट इरीगेशन प्रोजेक्ट, एंड आर ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर हैज कंप्लीटेड इट इन 3 years. Have we ever seen in independent India's history a project being completed at such a speed? आज हिंदुस्तान की तारीख में कोई चीफ मिनिस्टर ने, कोई राज्य सरकार ने काम करके दिखाया इतनी जल्दी इतनी तेजी से कोई प्रोजेक्ट खत्म हुआ कभी? ऐसी परफॉर्मिंग राज्य को, ऐसी प्रोग्रेसिव स्टेट को बढ़ावा देना केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है. क्योंकि राज्य जब मजबूत होंगे, स्टेट जब मजबूत होंगे, वी हैव टू रिमेंबर स्ट्रॉन्गर स्टेट्स विल लीड टू स्ट्रॉन्गर कंट्री. डेफिनेटली वी नीड टू सपोर्ट प्रोग्रेसिव स्टेट्स लाइक तेलंगाना. आई होप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विल एक्चुअली पॉजिटिवली सपोर्ट अस, बिकॉज वी बीन डूइंग एंड प्लानिंग थिंग्स एट स्केल. हमने अगर हैदराबाद फार्मा सिटी की बात की तो हमने ना सिर्फ तेलंगाना राज्य की बेनिफिट के, तेलंगाना राज्य के हित में सोचा, बल्कि हिंदुस्तान के हित में सोचा. क्योंकि आज हैदराबाद जो है बल्क ड्रग्स और फार्मास्यूटिकल कैपिटल है हिंदुस्तान का. इस पोजीशन को अगर और कंसोलिडेट करते हैं तो फायदा केवल तेलंगाना को नहीं मिलेगा, पूरा हिंदुस्तान को मिलेगा. आज हैदराबाद है पूरा वर्ल्ड का, पूरा दुनिया का वैक्सीन कैपिटल. आज हम लोग मुंह पे पट्टी बांध के बात कर रहे हैं वैक्सीन, क्योंकि हमने लिया नहीं. पर इस वैक्सीन कैपिटल में देखिए, अब छोटे छोटे चीज होते हैं. वैक्सीन तो सारा यहां बनता है, 5 बिलियन से ज्यादा डोज यहां बनता है. पूरे दुनिया में जितने वैक्सीन बनता है उसमें 1/3 यहां बनता है. पूरा दुनिया को आज हम सप्लाई कर रहे हैं, पर अनफॉर्चुनेटली वैक्सीन टेस्टिंग लैब यहां नहीं होता, वो कसौली जाना पड़ता है हिमाचल प्रदेश, 1200 किलोमीटर दूर. ये कहां की रीत है? तो ऐसे छोटे छोटे चीज जो मैटर करते हैं एक इकोसिस्टम को और मजबूत करने के लिए, इन पे ध्यान देना चाहिए. बातों से काम नहीं चलता, इन पे ध्यान देना चाहिए, इनको और बढ़ावा देना चाहिए. एक और बात भी मैं कहना चाहता हूं, जैसा मैंने कहा अभी, आज पूरा दुनिया बात कर रहा है कि चाइना से मैन्युफैक्चरिंग मूव करेगा और बाकी देशों में जाएगा. अगर हिंदुस्तान को फोकस करके एक मैन्युफैक्चरिंग डेस्टिनेशन बनना है, वी हैव टू थिंक ऑन स्केल. आज हम लोग फार्मा सिटी की जब बात करते हैं, वो 19,000 एकड़ में बनेगा, वो पूरा दुनिया का सबसे बड़ा फार्मा क्लस्टर होगा. तभी हम जाके चाइना से कंपीट कर सकते हैं, क्योंकि जो इकोनॉमीज ऑफ स्केल आती हैं स्केल से, वो फायदा अल्टीमेटली कंज्यूमर को पहुंचेगा, कंज्यूमर को मिलेगा. आज अगर हम टेक्सटाइल पार्क की बात करते हैं तो वारंगल में पूरा हिंदुस्तान का सबसे बड़ा टेक्सटाइल पार्क हमने लॉन्च किया, काकतीया मेगा टेक्सटाइल पार्क.
Unfortunately, Government of India does not support either the pharma city or the textile park. Electronic manufacturing cluster हमारे तीन हैं, तीनों के तीनों भरे भरे हुए हैं. हम लिखते हैं उनको, कहते हैं और दीजिए, कोई जवाब नहीं मिलता. हैदराबाद को इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन्वेस्टमेंट रीजन का दर्जा दिया गया था यूपीए सरकार ने 2013 में. एनडीए आने के बाद उसको हटा दिया या रहा, वो कुछ नहीं पता. उसके बाद में कोई जवाब नहीं उनके तरफ से, जितनी बार भी हमने मांगा. ये सब अगर नहीं मिलता है, केंद्र सरकार की तरफ से अगर प्रोत्साहन नहीं मिलता है, तो डेफिनेटली जो जिस तेजी से हम दौड़ना चाहते हैं नहीं दौड़ पाएंगे, क्योंकि अल्टीमेटली हम हिंदुस्तान के एक अहम हिस्सा हैं और रहना चाहते हैं और तेजी से भागना चाहते हैं और हिंदुस्तान की तरक्की में भागीदार बनना चाहते हैं. अनफॉर्चुनेटली दैट्स नॉट हैपनिंग. दैट्स व्हाई यू विल सी, इन स्पाइट ऑफ ऑल दिस वी हैव बीन प्रोग्रेसिंग, इन स्पाइट ऑफ ऑल दिस वी हैव बीन ग्रोइंग बोथ इन आईटी इंडस्ट्री, वी हैव बीन ग्रोइंग एट अ गुड स्पीड. एंड आई अश्योर यू अंडर द लीडरशिप ऑफ आवर ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर श्री के चंद्रशेखर राव गारू, वी विल कंटिन्यू टू ग्रो, वी विल कंटिन्यू टू रिफॉर्म, we will continue to create new benchmarks for the rest of the country to follow in all sectors. And Jayesh was just telling me yesterday when Niti Aayog's vice chairman was here, honorable chief minister instructed Jayesh Ranjan to think of new ideas and to think of better schemes to promote more and more industrialization in the state of Telangana. So we will also be coming out with more. Not hum bas dusron ko criticize karne mein time barbaad nahi karenge, हम अपना भी काम डेफिनेटली और जोर से करेंगे. एंड वील कम आउट विद बेटर मॉडल्स ऑफ इंसेंटिव्स, वील कम आउट विद बेटर आइडियाज. सोच रहे हैं हम कि और क्या किया जा सकता है जिससे हम लोग और इंडस्ट्री तेलंगाना को अट्रैक्ट कर सकते हैं. मैं आपसे बस एक ही चीज रिक्वेस्ट करूंगा, आज जब मैं कहीं जाके कहता हूं, कोई कॉलेज जाके या कहीं और जाके युवाओं को एड्रेस करता हूं, कहता हूं कि तेलंगाना में 13,826 यूनिट्स को हमने परमिशन